नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। आज हम जो है कक्षा 11 की जो भूगोल है वो प्रारंभ करें। ये हमारा भूगोल की पहली क्लास है और अगर इस क्लास को आपका सपोर्ट रहा और आप चाहते हैं कि ये क्लासेस कंटिन्यू हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप और कोई भी बुक प्रारंभ करना चाहते हैं कक्षा 11 की बुक, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम जो है कक्षा 11 की बुक भूगोल प्रारंभ कर रहे हैं। पहला पाठ आज हम इसका देखेंगे। ये जो भूगोल है या ज्योग्राफी जो है कक्षा 11 की, इसके अंतर्गत जो है हम देखते रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो है पहली इकाई है जिसके अंदर 3 पार्ट है, उसके बाद दूसरी इकाई में आपके 4 पार्ट है, तीसरी इकाई में 3 पार्ट है और चौथी इकाई में 6 पार्ट है, पांचवी इकाई में 4 पार्ट है, छठी इकाई में 3 पार्ट हैं, सातवीं इकाई में 3 पार्ट हैं, आठवीं इकाई में 4 पार्ट हैं, नौवीं इकाई में 2 पार्ट हैं, दसवीं इकाई में जो है आपके 2 पार्ट हैं, ग्यारहवीं इकाई में 2 पार्ट हैं और बारहवीं इकाई में जो है मानचित्र दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो पहला पाठ इसका है जो आज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी भूगोल एक विषय के रूप में या ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, यानी भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार होता है ये हम आज पढ़ेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। हम पर जन्म से मृत्यु पर्यंत भूगोल का प्रभाव बना रहता है, यानी व्यक्ति जब से जन्म लेता है और मृत्यु होती है उस समय तक जो भूगोल है इसका प्रभाव उस पर बना रहता है। हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू भूगोल एवं उसके विभिन्न घटकों से जुड़ा है, यानी हमारे जीवन का जो हर जो पहलू है या हर जो हिस्सा है वो भूगोल या उसके अलग अलग घटकों से जुड़ा है। ब्रह्मांड बहुआयामी रूप से अनेकानेक रेशों में बना है, यानी जो हमारा ये जो ब्रह्मांड है वो बहुआयामी है, बहुत रूप से अनेकानेक बहुत सारे रहस्यों से भरा है। ब्रह्मांड जो संपूर्णता का घोतक है जिसका मानव को प्रारंभिक ज्ञान भी सही रूप से प्राप्त नहीं हो पाया, यानी ब्रह्मांड जो संपूर्णता यानी संपूर्णता घोतक है और जिसको मानव जो है हम जो है हमको ब्रह्मांड का प्रारंभिक ज्ञान भी अभी तक नहीं हो पाया है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं और निहारिकाएं हैं और उनमें अरबों तारे और तारों से जुड़े अरबों ग्रह, धूलकण एवं गैस के बादल, गुरुत्वाकर्षण व अन्य बलों का प्रभाव एक रहस्यमय चित्र प्रस्तुत कर रहा है, यानी हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें अरबों आकाशगंगाएं, अरबों निहारिकाएं, अरबों तारे हैं, तारों से जुड़े अरबों ग्रह हैं, धूलकण है, गैस के बादल है, गुरुत्वाकर्षण है और अन्य बलों का प्रभाव एक रहस्यमय चित्र हमारे सामने पेश करता है। ये ब्रह्मांड रूपी रहस्यमय चित्र कब, कैसे और किसके द्वारा निर्मित किया गया, यानी ये जो ब्रह्मांड रूपी रहस्यमय जो चित्र है ये कब, किस, कैसे और किसके द्वारा निर्मित किया गया, इसका रूप, स्वरूप, आकार और विस्तार कितने, यानी इसका रूप क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका आकार कैसा है और इसका विस्तार कितने, इन प्रश्नों के उत्तर मनुष्य प्रारंभ से ढूंढता है, यानी इन सारे सवालों के जवाब है वो मनुष्य प्रारंभ से ढूंढ रहा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा या मंदाकिनी, सर्पिलाकार दूध मेखला मिल्की वे है जिसमें असंख्य तारा समूह है, यानी इन प्रश्नों का उत्तर जो है मनुष्य प्रारंभ से ढूंढ रहा है। इस सारे ब्रह्मांड में जो हमारी आकाशगंगा है जिसे मंदाकिनी या सर्पिलाकार या दूध मेखला या इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे है जिसमें असंख्य यानी बहुत सारे असंख्य यानी जिनकी संख्या नहीं है उसके ऐसे तारों का समूह है, उनमें से एक हमारा सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम है जिसमें सूर्य, कुछ ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु अवस्थित है, यानी इसी में एक हमारा क्या है सौर परिवार है जिसमें जो है कुछ जिसमें जो है सूर्य भी है, कुछ ग्रह भी है, उपग्रह भी है, उल्कापिंड भी है, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु आदि स्थित है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु लगभग 14 वर्ष है, यानी वैज्ञानिक अगर साइंटिस्ट तथ्यों की बात करें तो ब्रह्मांड की जो आयु है वह लगभग 14 अरब वर्ष है, सौरमंडल की जो आयु है वो लगभग 10 अरब वर्ष है और पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष बताई गई है। पृथ्वी पर पहले जल में सूक्ष्म वनस्पति और जीवन ने जन्म लिया, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले क्या है जल था, जल में क्या है सूक्ष्म वनस्पति यानी छोटी वनस्पति ने उसके बाद जीवन ने जन्म लिया, उसके पश्चात वायुमंडल संगठित है, यानी उसके बाद क्या है पहले वनस्पति फिर जीव और उसके बाद वायुमंडल का गठन हुआ। जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस बढ़ते हुई 21 तक पहुंची, यानी जो जीवनदायिनी हमारे जो ऑक्सीजन गैस है ये बढ़ते बढ़ते 21% पहुंची, तत्पश्चात सने सने पूरी पृथ्वी पर वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तार, यानी जब ऑक्सीजन 21% पहुंच गई तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तार हुआ। पृथ्वी पर मानव का आगमन सबसे बाद में, यानी हम बात करें मानव की या हमारी, तो हमारा आगमन पृथ्वी बहुत समय यानी सबसे लास्ट में हुआ।
मानव का जन्म पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी मानव का जन्म जो है पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। जंगल में रहता हुआ मानव सभ्यता की दहलीज पार कर विकास के पथ पर बढ़ता वर्तमान स्थिति में, यानी जंगल में रहते पहले जो मानव है वो जंगल में रहता था, फिर मानव सभ्यता की दहलीज पार कर विकास के पथ पर बढ़ता वर्तमान स्थिति तक आया है। इस दौर में मानव ने अग्नि एवं पहिए की प्रारंभिक आविष्कार की, यानी शुरुआत में उसने अग्नि के फिर पहिए के आविष्कार किए, जो मानव जो विकास है इसकी मील का पत्थर यानी माइलस्टोन साबित हुआ। विकास के प्रत्येक दौर में प्रकृति ने मानव को एक मित्र और माँ की तरह से, यानी विकास का जो भी दौर है उसमें हमारी जो प्रकृति है इसने एक मित्र और एक माँ की तरह मानव को स्नेह दिया और आगे बढ़ने का मार्ग बताया। इससे मानव और प्रकृति के मध्य जो है एक पारस्परिक जो मजबूत संबंध है वो बने। मानव ने प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता पसंद और क्षमता अनुसार किया, यानी प्रकृति ने जो भी संसाधन मानव को दिए उसने अपनी उपयोगिता आवश्यकता पसंद और क्षमता अनुसार किए। प्रकृति में रूपांतर कर मनुष्य ने अपने सबसे बुद्धिमान प्राणी होने की बात की, यानी जो मनुष्य है इसने प्रकृति में रूपांतरण कर यानी ट्रांसफर कर अपने सबसे बुद्धिमान प्राणी होने की बातें सिद्ध की। प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप आकाश के नीचे पृथ्वी तल पर होने वाली समस्त घटनाएं और अंतक्रिया भूगोल में दिखती हैं, यानी प्रकृति या मानव के जो पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप आकाश के नीचे जो पृथ्वी तल पर होने वाली जितनी भी घटनाएं या अंतक्रियाएं ये सारी सारी किस में दिन की जाती है, भूगोल में। पृथ्वी तल भूगोल का आधार स्थल है, यानी हम माने कि हमारी जो पृथ्वी है या इसका जो तल है ये भूगोल का क्या आधार स्थल है जिस पर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी इस पर क्या बहुत बहुत सारे प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्नता रूपी लक्षणों वाले पृथ्वी तल का शुद्ध व्यवस्थित एवं तार्किक विलक्षण तथा वर्णात्मक व्याख्या वैज्ञानिक भूगोल है, यानी इसके जो अलग रूप है पृथ्वी का जो तल है शुद्ध है और व्यवस्थित तार्किक विश्लेषण और वर्णात्मक जो व्याख्या है यही क्या है, वैज्ञानिक भूगोल है। आधुनिक भूगोल अंतरा अनुशासनिक विषय के रूप में विकसित, यानी जो आधुनिक भूगोल है वो अंतरा और अनुशासनिक रूप में विकसित हुआ है जिसमें भौतिक मानवीय और सामाजिक विज्ञानों का संकलित यानी मिला जुला अध्ययन किया जाता है। ये सभी जो विज्ञान हैं वे आपस में विषय सामग्री अदला बदली करते हैं, यानी एक सामग्री इसको और ये सामग्री उसको मिलती है और एक दूसरे को बहुत गहराई से ये प्रभावित भी करते हैं। यानी यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल यहाँ पर जलमंडल या वायुमंडल जैवमंडल सौरमंडल और ये स्थलमंडल है, ये भूगोल का अंतरा अनुशासित और संकलित विज्ञान के रूप में है। अब हम देखते हैं अर्थ व परिभाषा। तो जियोग्राफी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो ग्रीक या यूनानी भाषा का जो जियोग्राफिया शब्द है उससे प्रेरित है। इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द है और ये ग्रीक भाषा की जियोग्राफी से बना जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो यूनानी विद्वान एरोटोस्थनीज ने किया था, यानी जियोग्राफिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यूनानी विद्वान था एरोटोस्थनीज, उसने किया था। इसके पश्चात विश्व स्तर पर इसे पृथ्वी विज्ञान विषय भूगोल के नाम से जाना, यानी उसके बाद क्या इसे पृथ्वी विज्ञान के रूप में जियोग्राफी के रूप में जाना लगा। यूनानी एवं रोमन अधिकांश विज्ञान ने पृथ्वी को चपटा या तस्त्री नुमा माना, यानी जो यूनानी या रोमन के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि पृथ्वी क्या चपटी या तस्त्री नुमा है, जबकि भारतीय साहित्य में पृथ्वी और अन्य आकाशीय पिंडों को हमेशा गोलाकार माना गया, यानी जो भारतीय साहित्य उन्होंने हमेशा पृथ्वी और अन्य जो आकाशीय पिंड उनको गोल माना, इसलिए इस विज्ञान का नाम भूगोल के नाम से जाना जाता है। भूगोल पृथ्वी तल या भूतल का विज्ञान है, यानी ये जो भूगोल है ये पृथ्वी तल या भूतल का विज्ञान है। इसमें स्थान एवं उसके विविध लक्षणों वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है, यानी इसको जो भूगोल जो पृथ्वी का स्थान है उसके लक्षण है उनके वितरण है और उनके संबंध है इनका सबका मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी तल भूगोल की आधारशिला है, यानी ये जो पृथ्वी तल है ये क्या है, भूगोल की आधारशिला है जिस पर सभी भौतिकीय मानवीय घटनाएं व अंत्यक्रिया संपन्न होती है, यानी इसी पृथ्वी पर जितनी भी भौतिकीय मानवीय घटनाएं या अंत्यक्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, ये सभी क्रियाएं समय एवं स्थान के परिवर्तनशील संबंध में घटित होती हैं, यानी ये सारी क्रियाएं ये समय या स्थान के परिवर्तनशील संबंध में घटित हो रही है। पृथ्वी तल का भौगोलिक शब्दार्थ बहुत व्यापक है, यानी पृथ्वी तल का हम अगर भौगोलिक शब्दार्थ देखें तो ये बहुत बड़ा है, जिसमें स्थलमंडल भी है जलमंडल भी है वायुमंडल भी है जीवमंडल है पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी गति और वेगन का आकलन ये किया जाता है, जैसे हमने चित्र नंबर 1 में देखा था। भूगोल विषय का कैनवास यानी चित्रपट बहुत विस्तृत, यानी अगर हम भूगोल विषय का कैनवास
की बात करें, चित्रपटल की बात करें, तो बहुत विस्तृत हैं। आदिकाल से वर्तमान तक के विकास काल में इसकी इस विषय की परिभाषा प्रकृति एवं दर्शन में समय अनुसार प्रकट हुई, यानी अगर आदिकाल की बात करें और आदिकाल से अब तक की बात करें तो इसकी परिभाषा प्रकृति एवं दर्शन में समय अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। इसका विस्तार मानव के पारस्परिक संबंधों के साथ विविधता रूपी स्थानिक लक्षणों, वितरण, प्रादेशिक व्यवहार तथा समाज कल्याणकारी विज्ञान के रूप में उभरे, यानी इसका जो विस्तार है वो मानव के पारस्परिक संबंधों के साथ अलग अलग रूपी जो स्थानिक लक्षण है, वितरण है, प्रादेशिक व्यवहारिक एवं समाज कल्याणकारी विज्ञान के रूप में उभरा है। इतने विस्तृत विज्ञान को कुछ शब्दों में सीमांकित करना अत्यंत आसान कार्य नहीं है, यानी इतने जो विस्तृत विज्ञान है इसको कुछ शब्दों में परिभाषित करना कठिन कार्य है। फिर भी अनेक भूगोलवेता ने यह सराहनीय कार्य, यानी बहुत सारे भूगोलवेता जो है उन्होंने ये कार्य किया है। इनमें से कुछ उत्तम परिभाषाएं हैं जो अपने विकसित एवं समाज के लिए अर्थपूर्ण स्वरूप को प्रतिबंधित की जाती है, आपके लिए यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। शब्दकोश में मिलने वाली परिभाषा भूगोल, पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों विज्ञान है, यानी अगर हम डिक्शनरी की या इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो वहाँ परिभाषा है कि भूगोल जो है पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। मध्यकालीन भूगोलवेता वोर्नियस, इमुलन कांट, जॉन एवं जॉर्ज फोस्टर पिता एवं पुत्र ने भूगोल को आनुभाविक एवं वैज्ञानिक का नजामा बनाया, यानी ये जो भूगोलवेता इन्होंने कहा कि भूगोल के अनुभाविक एवं वैज्ञानिकता नजामा बनाया, जिसमें भौगोलिक ज्ञान प्राप्ति का मार्ग पर्यवेक्षणों, प्रयोगों, नवीनतम यंत्रों और तुलनात्मक आधार पर आधारित होगा। इन्होंने पृथ्वी का अध्ययन जो है मानव ग्रह के रूप में किया जाने, यानी कहने का जो पृथ्वी का अध्ययन है ये मानव ग्रह के रूप में किए जाने पर इन्होंने जोर दिया। इसी क्रम में जो जर्मन की भूगोलवेत्ता है हम्बोल्ट और रिटर, उन्होंने 19वीं शताब्दी में सुधार रखा और तेजी से नवीन भूगोल के रूप में आगे बढ़ाया, इन्होंने जो हम्बोल्ट और रिटर है इन्होंने भी इसी को उधार रखा और इसे नवीन भूगोल के रूप में बढ़ा दिया। दोनों ने पृथ्वी की एकता यानी पार्थिव एकता पर जो है बल दिया, यानी पृथ्वी की एकता बल दिया, जिसमें पृथ्वी को एक भौगोलिक इकाई माना गया, यानी पृथ्वी को एक भौगोलिक इकाई माना गया तथा उसके समन्वय पर यानी उसकी जो मिला जुला रूप है उस पर जोर दिया गया। हम्बोल्ट ने भूगोल में क्रमबद्ध एवं रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन की वकालत की, यानी जो हम्बोल्ट है इसने जो भूगोल में क्रमबद्ध और रिटर ने जो है प्रादेशिक अध्ययन की वकालत की। पृथ्वी की एकरूपता को स्वीकार करते हुए इसे मानव का घर बताया गया, यानी पृथ्वी की जो एकरूपता है इसको स्वीकार करते इसे मानव का घर है बताया गया। इसी सदी में जो जर्मन भूगोलवेत्ता है रिक्थोफेन और हेटनर, इन्होंने भूगोल के अलग क्षेत्रों मतलब विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों के जो विषम लक्षणों वाला विज्ञान बताया, यानी इन्होंने कहा कि भूगोल जो है विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों का विषम लक्षण वाला विज्ञान है तथा स्थानिक संबंधों पर बल दिया। यूएसए के जो भूगोलवेत्ता है रिचर्ड हार्टसेन 1859 में उन्होंने भूगोल को परिभाषित करते कहा कि भूगोल जो है पृथ्वी सतह की विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक वर्णन एवं व्याख्या का भी अध्ययन है। ये परिभाषा भूगोल को अधिक वैज्ञानिक यानी बहुत ज़्यादा मतलब आधुनिकता प्रदान करती है और पृथ्वी के विविध लक्षणों की विवरणात्मक व्याख्या भी ये प्रस्तुत करती है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हेगेट ने 1975 में भूगोल को पृथ्वी तल पर मानव वातावरण एवं प्रदेशों के स्थानिक तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन बताया, यानी जिन्होंने जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हेगेट ने 1975 में कहा कि ये जो भूगोल है ये पृथ्वी तल पर मानव वातावरण एवं प्रदेश है इनका स्थानिक तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी तल के विविध लक्षणों का संगठित एवं संवेदनशील वैज्ञानिक का अध्ययन के रूप में उभरा, जो भूगोल है पृथ्वी तल के अलग अलग लक्षणों के विविध लक्षणों का संगठन और संवेदनशील वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में भी उभरा। इसके पश्चात जब भूगोल ने मानववादी दृष्टिकोण लगातार विकसित होता गया, उसके बाद क्या भूगोल में मानववादी दृष्टिकोण आ गया और मानव उन्मुख भूगोल व्याख्या को विज्ञान बताया, इसके बाद कहा गया कि मानव की उन्मुख जो भौगोलिक व्याख्या है इनका विज्ञान बताया गया। 90 के बाद से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन में भौगोलिक ज्ञान का उपयोग होने लगा, यानी जितने भी क्षेत्र है उनमें भूगोल का ज्ञान उपयोग होने लगा। इसे भूगोल अधिक व्यवहारिक और समाज उपयोगी भी बताया गया। वर्तमान में जो है इसे मानव कल्याणकारी विज्ञान के रूप में देखा जाता है, जिससे मानव की जो सभी समस्याएं उनका हल जो है भौगोलिक ज्ञान में नहीं देखा जाता है। इसी प्रकार जो भूगोल है वो पृथ्वी तल से संबंधित विविध लक्षणों का स्थानिक, संगठित और कल्याणकारी और संवेदी विज्ञान भी है। यह विज्ञान मानव की जिज्ञासाओं को शांत कर भविष्य की राह भी प्रस्तुत करता है। भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है या विशेष सामग्री ये इतनी बड़ी और आकर्षक है जिससे संपूर्ण जीवन को विज्ञान समझा गया है। इस क्षेत्र में भौतिकीय
मानवीय पहलुओं का अद्भुत समायोजन है। भौगोलिक अध्ययन में जलवायु, उच्चावच, भू आकृतियाँ, मिट्टी, महासागर, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि प्राकृतिक विशेषताओं से तथा मानव एवं उनकी सभी क्रियाएं जैसे प्रादेशिक, ऐतिहासिक पहलू, जनसंख्या संबंधी घटनाएं, अधिवास, राजनीतिक, कृषि, खनन, आर्थिक, विपणन, मनोरंजन, परिवहन, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू, सैन्य आदि गतिविधियों में भी शामिल की जाती है। संपूर्ण आकाश के नीचे जो गठित होने वाली समस्त पारस्परिक क्रियाएँ हैं, प्रतिक्रियाएँ हैं, गतिविधियाँ हैं या भूगोल के विशेष क्षेत्र इस विशेष सामग्री से भी संबंधित है। इसके अध्ययन में जो है प्राचीन एवं आधुनिक तकनीकों का विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी प्राचीन तकनीकों का प्रयोग है और आधुनिक का प्रयोग है। वर्तमान में जो आधुनिक तकनीकी एवं विधियाएँ हैं जैसे हवाई सर्वेक्षण है, मतलब हवाई जल के द्वारा सर्वेक्षण है, या दूर संवेदन तकनीक, संचार क्रांति, आधुनिक कंप्यूटर आधारित मानचित्र कला आदि का उपयोग बढ़ा है, से विकास की परिभाषा बदल गया। आधुनिकता और एवं प्रौद्योगिकी की जो प्रसार है इसने पृथ्वी के सतह का व्यापक और गहन मानवीकरण हुआ है, जिससे भूगोल में आधुनिक शोध और अनुसंधान भी बढ़ गए हैं। पृथ्वी पर बेहतर अस्तित्व के प्रयास भी जो है वो विषय से भी गहनता से जुड़े हैं। भूगोल विषय का अधिक मानव केंद्रित, यानी मानव केंद्रित होने के कारण मानव भूगोल संबंधित जो शाखा है इसका प्रसार अधिक हुआ, जिसे भौतिक भूगोल का थोड़ा पृष्ठभूमि भी चला गया है। भूगोल में भौतिक और मानवीय पहले हैं, उसमें पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी भौतिक पहलुओं का और मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए प्रारंभ भूगोल की विषय की दो शाखाएँ प्रमुख भूगोल के, एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। कालांतर में विशिष्टीकरण के इन दोनों शाखाओं को अन्य जो उप शाखाएँ यानी अलग अलग शाखाएँ बंटी, जिसे विषय सामग्री एवं विषय क्षेत्र में समझ जाएगी। भूगोल की प्रमुख शाखाएँ और उप शाखाएँ निम्न है, यानी ये जो यहाँ शाखाएँ दी गई है भूगोल की और मानव भूगोल की। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आज हम यहीं से देखेंगे। अगर आपको इस क्लास का सपोर्ट अच्छा मिला, यानी हमको आपका सपोर्ट अच्छा मिला और आपने इस वीडियो के व्यूज़ जो है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कल तक, यानी कल तक जो है इस व्यूज़ को, अगर ये वीडियो का व्यूज़ 100 पार कर गए, यानी 100 व्यूज़ अगर इस वीडियो पर आते हैं 24 घंटे के अंदर, तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।